रोडों की है। आज की तारीख में बरसातों में आप हाल देख लो, शहर के सारे हर गली के खड्डे ऐसे हो रहे हैं, मतलब एक टू व्हीलर आदमी भी नहीं चल सकता है। तो उन सड़कों को भी हमने ठीक करने की मांग करी है। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान जेएन सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मेरा आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है, प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्मार्ट सिटी के धीमे कार्यों व एलिवेटेड रोड निर्माण की कछुआ चाल के साथ सड़कों की दुर्दशा के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ ने जिला प्रशासन के साथ ठेकेदार फर्म सिम्फोनिया लिमिटेड के खिलाफ जताई नाराजगी। अजमेर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पिछले 3 साल से कछुआ चाल से चल रहा एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य कब पूरा होगा और कब आमजन को राहत मिलेगी, इस बात की जानकारी लेने के लिए आज श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के पदाधिकारी जिला कलेक्टर व स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चेयरमैन प्रकाश राजपुरोहित से मिलने पहुंचे। यहां उन्होंने जिला कलेक्टर के समक्ष नाराजगी प्रकट करते हुए अपनी विभिन्न मांगों पर जल्द सुनवाई करते हुए कार्रवाई की मांग की। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र बंसल ने बताया कि जिला कलेक्टर से व्यापारियों का एक प्रतिनिधि मंडल मिला है। उन्होंने अजमेर शहर की विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर यथाशीघ्र उचित कार्रवाई की मांग की है। महेंद्र बंसल ने बताया कि अजमेर शहर में पिछले 3 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका, एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है और अभी 1 साल तक पूरा होने की उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से अजमेर शहर के प्रमुख बाजारों में व्यापारियों की हालत खराब हो चुकी है। सड़कों की दुर्दशा और आए दिन काम के चलते यातायात बंद रहने से शहरवासियों ने बाजारों में आना छोड़ दिया है। ऐसे में यहाँ व्यापार करने वाले व्यापारी भूखों मरने लगे हैं। साथ ही अजमेर शहर की लाइफलाइन बीसलपुर में पर्याप्त पानी आने के बावजूद 72 घंटे में पेयजल सप्लाई किया जा रहा है, ना तो जनप्रतिनिधि और ना ही जिला प्रशासन अजमेर वासियों की कोई सुध ले रहा है। ऐसे में आज श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ जिला कलेक्टर से इन समस्याओं के निवारण की मांग करने पहुंचा। जिला कलेक्टर ने मुख्यमंत्री तक सभी मांगों को पहुंचाकर यथाशीघ्र उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आज श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के सभी पदाधिकारी और व्यापारी माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है मुख्यमंत्री महोदय के नाम का। अजमेर में जो एलिवेटेड रोड बन रहा है वो बहुत कछुआ चाल से बन रहा है। कई बार हमने धरना प्रदर्शन भी करे, व्यापारियों ने कचहरी रोड के व्यापारी, स्टेशनी व्यापारी, शहर की सारी जनता परेशान है और जो लीज की दुकानें हैं, लीज की अवधि समाप्त हो गई है, उस विषय में कलेक्टर साहब को हमने अवगत कराया कि जो लीज की दुकानें हैं वो जिनकी है उन्हें तुरंत प्रभाव से दिलाई जाए। और अजमेर की स्थिति आप मीडिया वालों को वैसे ही पता है कि जो स्थिति अजमेर के रोडों की है आज की तारीख में बरसातों में आप हाल देख लो, शहर के सारी हर गली के खड्डे ऐसे हो रहे हैं, मतलब एक टू व्हीलर आदमी भी नहीं चल सकता है। तो उन सड़कों को भी हमने ठीक करने की मांग करी है और माननीय कलेक्टर साहब को, जैसे जो भी शहर की पानी की समस्या है, 72 घंटे में पानी आ रहा है जबकि बीसलपुर बांध में पानी की आवक पूरी हो चुकी है, 48 घंटे में पानी दिया जाए। अजमेर की पब्लिक बहुत परेशान है। श्री अजमेर व्यापारी महासंघ की ओर से हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन देकर हमारी मांगे की है, मांगों के कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि हम आपके बात मुख्यमंत्री तक पहुँचा दिए।